गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था गाइस कि हमें रास्ते में मतलब कि हम हमारी गाड़ी को लेके ऑफ रोडिंग के लिए निकल पड़े थे और मतलब कि रास्ते में देखा कि एक भाई साहब की गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो बहुत ही परेशान वहां पे खड़े होके बस दुआएं कर रहे थे कि कोई मिल जाए और हमें बचा ले इस जगह से, खतरनाक जगह से। भाई क्या ही खतरनाक जगह से बचा के लेके आए थे उन भाई साहब को वैसे। और पिछली रात वैसे इन भाई साहब के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और रात को बारिश भी हो रही थी, इसलिए हम इन भाई साहब को यहीं इनके घर पे ही छोड़ के चले आए। और इन भाई साहब ने बोला हमको, अरे भाई तुम इतना मदद किया मेरा, रात को कहाँ अपने घर जाओगे, यहीं पे रुक जाओ बोला, तो हम यहीं रुक गए गाइस। वैसे सुबह सुबह उठ गए तो ये भाई साहब देखो क्या ही मतलब कि अपने एक्सरसाइज में लग पड़े हैं। देख ही सकते हो भाई बहुत ही मेहनती आदमी है, मतलब लड़का है मतलब यंग है इसलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहा है। हमारी उम्र तो वैसे 30-25 हो गई है, अभी हम क्या ही एक्सरसाइज करें भाई लोग। ये भाई साहब तो बेचे अंदर कहाँ से जाएं, हमको बोलो रास्ता बताओ जरा। हाँ इस तरफ से जाते हैं गाइस, देख ही सकते हो क्या ही आलीशान घर है। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कि बड़ा सा मिरर है, छोटा तो नहीं कह सकते, बहुत ही बड़ा मिरर है। गलती हो गई भाई साहब। और ये एक बेड है इन भाई साहब का, ये उनका ही रूम है रात, वैसे ये उनका ही रूम है, यहाँ पे चले आए थे हम। और अभी ऊपर चलते हैं, ये रूम शायद नहीं खुलता गाइस, लॉक है, कहीं पैसा वैसा रखा होगा भाई, क्या ही छेड़खानी करे दूसरे के घर पे आके भाई साहब। और ये एक रूम है, अरे ये सॉरी गलती हो गई, ये रूम नहीं है, ये बाहर का एग्जिट है, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पे घुसा रहा हूँ भाई। और ये तो अभी नीचे से तो आया था, फिर ऊपर क्यों जा रहा हूँ मैं। अच्छा और देख ही सकते हो गाइस इनके पास मतलब कि एक लाइब्रेरी जैसा, और ये डीजे वीजे का कुछ सेटअप है, जब मजा करना होता है तो ये भाई सब एंजॉय कर लेते होंगे। और ये प्यारा सा मस्त सा डाइनिंग टेबल गाइस, क्या ही मस्त दिख रही है वैसे। और अरे भाई गिरा दिया भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भागो यहाँ से, मैंने नहीं गिरा, किसने देखा क्या, मैंने किया था वहां पे, नहीं देखा किसने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ भाई ये देखो भाई लोग, ये क्या है, देखो देख सकते हो। वैसे ये सेहत के लिए हानिकारक है गाइस, पर फिर भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बस। अरे ये गंदा क्या कर मचा रखा है भाई, इसका जो कुत्ता है ना वो बहुत ही ज्यादा कि मतलब कि बहुत गंदा है। देखो क्या कैसे खाना वाना एकदम फैला के यहाँ पे भाग चुका है भाई, पता नहीं अगर होता तो मिलवा देते गाइस, पर वो तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और ये किचन विचन है शायद, हाँ किचन ही है भाई, सारे वाइन्स वाइन्स के बोतल रखे हैं भाई। निकलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ कुछ फील हो रहा है मुझे। ओ, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तड़प सोके नहीं, सोके तड़प नहीं। सोके इस... और गाइस देखो यहाँ से मस्त, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है भाई लोग, देख सकते हो आप लोग, मतलब कि कमाल का दिख रहा है सब कुछ, पूरा का पूरा लॉस सेंटर सिटी दिख रहा है गाइस, क्या ही मजेदार दिख रही है। वैसे यहाँ पे ये कुछ चिलवेल मारने के लिए पड़ा हुआ है, मतलब कुछ सोफे वोपे डाल रखे हैं भाई साहब ने। और ये एक टेलीस्कोप है गाइस, यहाँ से हम ना हम चा हमारी चांद को देख सकते हैं, मतलब कि अरे आसमान वाला चांद भाई, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो वाला चांद तो नहीं है वैसे माइकल का, देखेंगे फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पटाएंगे अभी। और गाइस ये देख सकते हो इन भाई साहब के पास एक स्विमिंग पूल भी है गाइस, देख सकते हो क्या ये मस्त पानी है, साफ साफ एकदम। और ये छोटा सा पूल है गाइस, और यहाँ पे कुछ चिल मारने के लिए, यहाँ पे वो बारबेक्यू कुछ बनाते हैं वो खाते हैं भाई साहब। भाई ये कब से पुशअप मारे ही जा रहा है, अरे भाई उठ जा, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर बोलना नहीं कि ये दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। उठ जा भाई, मत कर इतना, मत कर, रुक जा। तो गाइस बहुत मजा वजा हो गया और घूमना फिरना सब कुछ हो गया। वैसे आज हमें बहुत सारा काम है गाइस, वैसे मुझे और कुछ जॉब भी कर लेते हैं गाइस, बहुत दिनों से मतलब ही कुछ काम नहीं किया, बस गाड़ी को लाते ही बस निकल पड़े हैं घूमने 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 जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई, पर काम नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं निकलता हूँ गाइस अपनी टैक्सी लेके, मतलब ये कुछ काम करेंगे। और इन भाई साहब को बाय बाय तो बोल दिया है मैंने, और नीचे नहीं जाते। हाँ तो गाइस चलो भगवान गणेश का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी जॉब को।
Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh, no way. I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just go show. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all day to day, yeah. Don't need nobody else, myself can always say. Sometimes it. I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way. हाँ तो भाई लोग, फाइनली हम मतलब कि अभी हमारे टैक्सी को भाई साहब लॉक कर देते हैं। कोई उठा उठा के ले गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने पैसे दे के खरीदा है हमने हमारे टैक्सी को, भाई बहुत ही प्यारी है, जान से भी ज्यादा प्यारी है भाई। चचा सही हो, कैसे हो आप लोग भाई? चचा अच्छे हो सब? सब बढ़िया। और आंटी वांटी कैसी है सब? हाँ ठीक है ना। तो एक बढ़िया बढ़िया गन दिखाओ भाई साहब। अरे पिस्तल नहीं भाई, पिस्तल पिस्तल लेंगे क्या गाइस? मुझे तो वैसे पिस्तल लेने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। हैवी पिस्टल कंपेनियन मैगजीन फील्ड से ओके। तो गाइस एक सप्रेस्ड वाला गन लेंगे भाई। क्या बोल रहा है, वैसे ये खरीदेंगे गाइस। सही तो दिख रही है वैसे। टैक्सी ड्राइवर को उतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं आती, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से देख लेते हैं थोड़ा। ओके खरीद रहे भाई, खरीद रहे हैं। एक्सटेंडेड क्लिप ये लगवा दो। अरे चल लगवा दो। क्या हुआ, लग चुका है? ओ सप्रेसर। पेंट कौन सा करवाएं गाइस? अरे इतने ही पेंट है भाई, सबसे महंगा वाला लगाएंगे गाइस। देख ही सकते हमारे पास कितना पैसा है। कितना है वैसे? 5,55,641 भाई साहब। इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास मतलब कि हमारे टैक्सी के पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं गाइस, देख ही सकते हो आप। और इस जॉब में हमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस तो हो चुका है, इसलिए अरे लगा क्यों नहीं वे? हाँ ये लगवा दो। ओके तो गाइस फाइनली हम हमारे खरीद चुके हैं गन। चलो चलते हैं गाइस वैसे बाहर, और एक आर्मर भी लगा लेते हैं गाइस। वैसे टैक्सी ड्राइवर को उतनी जरूरत तो नहीं पड़ती है। ये खरीदेंगे यार, खरीद लेते हैं भाई। पैसा तो बहुत है, पैसे हमारे पास मतलब कि पूरी टैक्सी की पैसे आ चुके हैं गाइस। ये खरीदूंगा भाई लोग। सही दिख रहा है वैसे माइकल, एकदम मतलब नौजवान की तरह दिख रहा है भाई हमारा माइकल। तो चलो चलते हैं गाइस। अरे चचा आप भी गन खरीदेंगे आगे? हाँ वैसे अच्छे अच्छे गन रखे हैं, आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। और चलो गाइस चलते हैं वैसे। क्या हुआ, कुछ बोला क्या तूने? नहीं बोला ना, कुछ बोलना नहीं। हाँ उल्टा सीधा कुछ मत बोलना। वैसे गाइस मुझे ना थोड़ी सी खुजली हो रही है, मतलब कि ये गन जो है ना गाइस, इसकी टेस्टिंग करने की थोड़ी खुजली हो रही है मुझे। वैसे किसको ट्राई करें, अगर कोई ठुकता है तो वो ठीक है, पर उससे भी मतलब कुछ गुंडे गुंडे से झगड़ा करने का मन कर रहा है भाई। एमिंग भी सही हो जाएगी वैसे। ओके तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मतलब कि बार बार के सब के, और हम हमारे टैक्सी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं।
और चलो गाइस चलते हैं, कुछ कोटिंग वेटिंग करवा के लेके आते हैं माइकल को, और गाड़ी को लॉक करना मैं नहीं भूलना गाइस। अरे आंटी आंटी दीदी, हाँ थोड़ा सा कटिंग करना है भाई, कटिंग करवा दो हमें। हाँ सही से करवाना। अच्छा हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल में दिखाना क्या क्या। अरे गंजा नहीं करना भाई, गंजा क्यों करेगा। अरे ये आते हैं हम, चलो भाई लोग चलते हैं। वैसे माइकल एकदम फुल नौजवान की तरह दिख रहा है गाइस, देख सकते हो आप। ओ भाई हीरो हीरो, ओ देखो इधर देखो बेटे बेटे इधर देखो। ओ भाई माइकल शर्मा रहा है वैसे। हाँ तो गाइस पता नहीं दोनों कौन है भाई, और मेरी गाड़ी में क्यों। अरे क्या हुआ भाई। अच्छा लिफ्ट चाहिए। हाँ, छोड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, कुछ करना मत। हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, वैसे मुझे कुछ करना नहीं, बस कहाँ जाना है बोल दो, रास्ता बोलो, मैं छोड़ के चलाऊँगा भाई। तुमसे झगड़ा मोल लेना नहीं है मुझे। अच्छा आगे जाना है, साइड दे। अरे ये इलाका तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गाइस, देख सकते हो चारों तरफ बस गुंडे ही दिख रहे हैं, मतलब कुछ गैंग वैंग से कुछ दिख रहे हैं भाई। यहाँ के इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहे यार। मैंने सुना था कि लॉस सैंटोस में कुछ गुंडे बदमाशों का गैंग भी है, तो उसमें से कहीं ये लोग तो नहीं है ना गाइस। पता नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ भाई तुम लोग मेरे पैसे दो पहले। ओ चचा पैसे 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 दो भाई, क्या देख क्या रहे हो यार। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मतलब पता नहीं ये हम। अरे मैंने क्या क्या भाई, मैं तो अपने टैक्सी का पैसे लेने आया था। भागो भाई भागो भागो, ये लोग कुछ ठीक नहीं रह गए मुझे। भाई मेरे पास भी गन है, पैसे नहीं दिए और भाई ये लोग फाइट करने में लगे पड़े हैं, देख सकते हो आप लोग। गाइस मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जान ले लेके मेरी। भागो भाई भागो, मुझे कोई झगड़ा मिल नहीं लेना है, पर पैसे नहीं दिए यार उसने। ओ भाई पुलिस अलग और पीछे पड़ गई भाई, मैंने कुछ किया भी नहीं यार, मुझे डर लग गया तो मैंने कुछ शूट कर दिया। पुलिस भी अलग ही पागल है भाई, उन लोग को जाके पकड़ना भाई, मेरे पीछे पड़ गए, देख सकते हो आप लोग गाइस। ओ भाई अब कैसे बचूं यार, मुझे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, बस आराम से मैं मज़े से अपने टैक्सी चलाता हूँ और जॉब करता हूँ मेरा, ये पुलिस अलग पीछे पड़ गई भाई। देखो ओ भाई उन लोगों ने मेरा नंबर भी देख लिया गाइस हमारे टैक्सी का।